भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर का अपमान करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने चेंबूर में किया धरना प्रदर्शन। कहा कि वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। ओ भारत माता की जय। भारत माता की जय। राहुल गांधी हाय हाय। राहुल गांधी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी हाय हाय। राहुल गांधी हाय हाय। राहुल गांधी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी हाय हाय। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देश के राष्ट्रपुरुषों के बारे में उनके पूछे से अच्छी बात ही निकले। रहा सवाल राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी क्या कहेंगे? आज रास्ते पर उतरे हैं आप लोग, गुस्सा विरोध प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी। आज हम लोग रास्ते पर उतरे, राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगेंगे तो हम रोड पे उतर जाएंगे चक्का जाम करके। इस महाराष्ट्र के लिए भी नहीं उतरे, देशभक्त है। स्वतंत्र वीर सावर जी के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहा है, उन्होंने जो जिस प्रकार से अपने भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहा जाएगा, ये कांग्रेस भारत तोड़ो यात्रा कर रही है। आज वीर सावर जी का उल्लेख करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। तो टीआरपी अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ये महान पुरुष देशभक्त और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में अनाप शनाप पत्र और एक बार नहीं दो बार भरे, जो दाखिला दे रहे हैं कि ये लेटर में सावरकर जी ने माफी मांगे। सही में ये लेटर सच लेटर है, इसका पुरावा है राहुल गांधी जी के पास। और राहुल गांधी जी को इतना समझना चाहिए, सर्व सामान्य कोई भी बच्चा या नागरिक कह सकता है कि जिन्होंने काले पानी की सजा है एक नहीं दो बार तीन बार की है, जिन्होंने इतनी हाल अपेक्षा इतनी तकलीफ सहने के बाद वो इंसान माफी मांग सकता है क्या? ये सादी सोचने जैसी बात है। आप खुद जाकर देखिए, मैं बोलती हूँ मैं खुद अंडमान में गई हूँ, जो जेल है उस जेल में सर्वसामान्य आदमी नहीं रह सकता, जिसमें वो देशभक्त की ज्वाला प्रकट होगी ना वही इंसान उस अंडमान जेल में रह सकता है। राहुल गांधी ने एक दिन जाके देखना चाहिए अंडमान जेल में जाकर रह के किस प्रकार से उन लोगों ने उसमें स्वातंत्र जो क्रांतिवीर थे उन्होंने इतने हलपशा करके हमें ये देश का स्वतंत्र, वो कट्टर हिंदुत्ववादी और नेता है राहुल गांधी जी को हरे रंग प्रिय है और उनका मतदान चाहिए, इसलिए वो हिंदुवादी नेताओं के विरोध में बात करते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करके रस्ते पे नहीं उतरे और उनका विरोध नहीं करते, एक आम देशभक्त नागरिक के नाते हम इस रस्ते पे उतरे हैं। कोई भी पार्टी का नेता हो या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, उनको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे महान पुरुषों के ऊपर, देशभक्तों के ऊपर, क्रांतिवीरों के ऊपर बात करने की और टिप्पा टिप्पणी करने की तुम्हारी पात्रता भी नहीं है इस बात पर बात करने की। क्या शिवसेना को महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए? का हिंदुत्व खत्म हुआ है, शिवसेना एक दुबलापन दिखा रही है। एक बाजू से शिवसेना बोल रही है कि सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी ने जो वक्तव्य किया उस पर सहमत हम लोग नहीं रखे। अरे सहमत नहीं रखे तो आज पार्टी के हटा आप पार्टी से निकल जाओ, तब हम मानेंगे। जो ठाकरे जी आज बोल रहे हैं, जिस हाव भाव से बोल रहे हैं कि हमें स्वतंत्र वीर सावर जी का बारे में जो राहुल गांधी ने जो वक्तव्य किया है उस वक्तव्य को हम सहमत नहीं है। अरे सहमत ये दुबलापन किसको दिखा रहे? गिलगित की तरह दुबलापन दिखा रहे? सही में आप सहमत नहीं हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस का साथ छोड़ के दिखाए, तब हम मानेंगे कि तुम सही देशभक्त के बाजू में है। अरे किसको दिखा रही है? हम लोग देखते आ रहे हैं, आज पूरी महाराष्ट्र की जनता भी जान रहे हैं ठाकरे जी को कुर्सी पैरी थी, मुख्यमंत्री पद पैरा था, इसलिए राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ मिल गए। और हर बार कांग्रेस ने हमारे देशभक्त क्रांतिवीर स्वतंत्र वीरों के बारे में अपमान करते आ रहे हैं और हमारी जनता शांति से देख रही है, लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं बैठेगी। इस महाराष्ट्र के पावन भूमि में इस भूमि पुत्र का अपमान जब ये कर रहे राहुल जी, तो राहुल जी अकेला के दिखाए, हम बहने दिखाएंगे उनको
भारतीय नारी में क्या शक्ति होती है। अरे आज पब्लिक लेके घूम रहे और हमको बोल रहे आओ हमारी यात्रा बंद करके दिखाओ, अकेले आके तू दिखा, हम बोलते अकेले के तू दिखा, हम दिखाते उनको भारतीय नारी क्या होती है और हमारे देशभक्तों का अपमान हम लोग सहने वाली नहीं है और आज हम चुप बैठेंगे नहीं। राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए, रस्ते रस्ते पे भारतीय नागरिक देशभक्त नागरिक उतरेगा और ये आइंदा ऐसे कोई महान पुरुष और देशभक्त के बारे में कोई बोलेगा तो हम लोग सही में उसको जाके चप्पल मारेंगे और दिखाएंगे कि भारतीय नारी देशभक्त के बारे और स्वतंत्र वीर और क्रांति वीरों के बारे और महान पुरुषों के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं। थैंक यू मैडम। एक बार नहीं के लोग किस तरह आप तो खाली राष्ट्रीय पार्टी नहीं राज्य पक्ष नहीं तो हाथ आ रहा है, पूरे महाराष्ट्र की जनता नाराज है और वो क्रोध आक्रोश कर रही है कि राहुल गांधी का निषेध कर रही है। उन्होंने जो हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में जो कहा है, शब्द कहा है, उनका अपमान किया है, वो तो सभी के दिल को तेज पहुँचाई है उन्होंने और उनका जाहिर निषेध हम सब करते हैं और उनको कहते हैं कि आप महाराष्ट्र में घूम रहे हो, महाराष्ट्र में आए हो तो महाराष्ट्र की जान रखनी चाहिए आपको। आप एक जिन्होंने 14 साल अंडमान में अपने जीवन के बिताए हिंदुस्तान स्वतंत्र करने के लिए, ऐसे महापुरुष को आप अपमानित करते हो, ये हमारे पास शब्द नहीं उनका निषेध करने के लिए। आपने देखा होगा कि आज उनके ये संजय जी कहते हैं कि इनको पुरस्कार देना चाहिए, इनको सम्मानित करना चाहिए, हमारे सोना से स्तोत्र है और वहीं पे राहुल गांधी वहाँ अपमान करता है, उनके साथ ही गले मिलते हैं और उनको सहयोग करते हैं। भारत ये भारत जोड़ो नहीं भारत जोड़ो यात्रा है, इस तरह से चलाएगी क्योंकि एक बार नहीं कई बार इस तरह की गलतियाँ नहीं है, ये जान पूछ कर बकवास की जाती है और हिंदू समाज को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा होगा राम मंदिर का विरोध, राम सेतु का विरोध, वीर सावरकर जी का विरोध, क्यों हमें बार बार हमारी दुखती नक पर ये रखा जाता है, क्यों बार बार कांग्रेस के द्वारा ही ऐसे ये किए जाते हैं, वक्तव्य किए जाते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो, ऐसे लोग क्यों बार बार हिंदुओं के विरोध में देशभक्तों के विरोध में वक्तव्य देते हैं, तो ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। शिवसेना की भूमिका ऐसा हुआ था कि इसी वक्तव्य पर बाला साहब ने जो है मनी शंकर अय्यर चप्पल से वही शिवसेना, लेकिन कुछ बोल रहे हैं क्या ऐसा है, उनकी लाचारी है वो जानते हैं, बाला साहब थे और अभी की शिवसेना वो उनका अंतर्गत विषय है। बाला अगर ऐसा वक्तव्य आया है तो इनको समझना चाहिए। अब उनके ही दूसरे नेता संजय राउत जी ने आज क्या कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर और वीर सावरकर जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, तो ये दोगलापन दोनों तरफ से और इनको गले मिल रहे, जैसा कि आपने बताया कि अभी जाकर उनको गले मिल रहे, एक तो महाराष्ट्र का इतना बड़ा क्रांतिवीर पुत्र और उसका अपमान और उसके बारे में इनका कुछ नहीं कहना, बहुत ही शोक शोकनीय।